आज हम आपको दिखाएंगे कि मधुमक्खी वो शहद कैसे बनाती है, कैसे जो है ना वो शहद कलेक्ट करती है और किस तरह से सारा प्रोसेस होता है। और ये अभी स्टार्ट है, देखें जी ये फूलों से जो है ना ये रस निकालती है और जो इसकी अगली टांगें होती ना उससे ये रस निकालती है। और ये है पोलन, पोलन जो इसकी मिठास है यानी कि आप शुगर कह लें, ये वो चीज़ होती है फूल के अंदर ये अपनी। और ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ना ये इसके एक टंकी टाइप बनी होती है कुछ जो है ना कलेक्टर जिसे कहते हैं। ये अगली जो इसकी टांगें होती है ना उस वो फूल के अंदर जो है ना इंसर्ट करती है और फिर वो शहद निकाल के जो इसकी ये देखें जो टंकियाँ बनी होती हैं इसमें जो है ना वो सारा कलेक्ट होता रहता है, ठीक है। और इस तरह से सारा कलेक्ट करके जो है ना फिर ये वापस जाती है जो इनका छत्ता होता है वहाँ पर छत्ते में जाके। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि जो खाली होल होता है ना ये वो ढूंढती है, अगर जो खाली है उसमें ये सारा कलेक्ट कर देगी। देखे ना ये इसके जो पिछली वाली लेग्स है इसके साथ ये जो लगी हुई है ना ये स्लोली स्लोली जो है ना खाली जो होल होंगे उसमें ये ऐड करती जाएगी। और उसके बाद ये शुगर का प्रोसेस होता है वो भी कुदरती नेचुरली जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना और खूबसूरत सीन है। और ये देखें जी सारा जो है ना शहद प्रोसेस में है सारा ये बनाती जाती हैं और इसमें जो है ना फिर उनके अंडे भी बनते हैं नीचे। ये देखें ये शुगर प्रोसेस है सारा जो शहद कैसे बनता है ये अल्लाह ताला की कुदरत है। और आप ये सारा देख रहे हैं ये था सारा शहद बनने का प्रोसेस। और अब जो है ना रियल में मैं आपको ये सीन दिखाता हूँ कि कैसे जो है ना हमने छत्ते से जो है ना ये शहद को निकाला है। खालिस और नेचुरल शहद हासिल करने के लिए हमने रुक किया गोजरा शहर का जो कि फैसलाबाद से चंद किलोमीटर की दूरी पे वाकया है। और वहाँ मौजूद सेलर से हमने कॉन्टेक्ट किया और हमने उनको डिमांड की कि हमने जो भी आपसे शहद खरीदना है वो हम अपनी आँखों से जो है ना उसका सारा बनने का प्रोसेस है और जो निकालने का प्रोसेस वो हम खुद देखेंगे। और उन्होंने जो ना हमारी ये डिमांड एक्सेप्ट की और हमने इसको सारा आपको ये जो वीडियो दिखा रहे हैं ये सारा प्रोसेस जो है ना ये देखिए धुआं छोड़ के जो है ना मक्खियों को भगाया जाता है और उसके बाद जो है ना सारा छत्ते से शहद जो है ना उतार के फिर किसी साफ़ बर्तन में डाल के और मलमल के कपड़े से जो है ना इसको सारा साफ़ किया जाता है यानी कि इसको नथारा जाता है ताकि इसमें मौजूद जो कसाफतें हैं जो मसलन के होती हैं पत्ते वगैरह या ये जो मक्खियाँ जो अंदर रह गई हैं जो जल्दी नहीं निकलती वो सारी की सारी जो है ना साफ़ हो जाएं और शहद में ना आए यानी कि वो कपड़े में सारी एडजस्ट हो जाती है। तो ये था सारा शहद बनने का प्रोसेस जो कि आपने देखा मक्खी कैसे शहद बनाती है, कैसे कलेक्ट करती है और किस तरह से जो है ना हम इसे उतारते हैं। ये प्रोसेस जो आप देख रहे हैं ना ये फर्स्ट प्रोसेस है, मज़ीद जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना कसाफतें वो हाथ से निकाली जाती हैं उसके बाद जो है ना इसको मलबल के कपड़े में डाल के सारा जो है ना साफ़ किया जाता है यानी कि पुश किया जाता है ताकि जो है ना ये सारी चीज़ें इस कपड़े के अंदर रह जाएँ और साफ़ सुथरा शहद जो है ना वो हम तक पहुँचे। और नेक्स्ट प्रोसेस में इस शहद को बॉटल्स में डाला जाता है यानी कि जो 1 kg 1/2 kg 250 grams की जो पैकिंग होती है उसमें ऐड करके इसको मार्केट में सेल किया जाता है। तो अगर आप खाली शहद खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि आपको 1 kg 1/2 kg और 250 ग्राम की पैकिंग में हर वक्त मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, तो इसके लिए आप लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।